नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के 100 शहरों का औद्योगीकरण किया जाएगा, जिसके लिए इनको हर साल फंडिंग मिलती रहेगी, जिससे ये शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और अपनी इकॉनमी को भी मजबूत करेंगे। इसी मिशन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, और इसके अलावा हम वाराणसी में चल रहे कुछ जरूरी प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है, और इसके अलावा ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। दोस्तों, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा शहर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम के कारण जाना जाता है। दोस्तों, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से काम बड़ी तेज गति से हो रहे हैं। इसी के चलते वाराणसी स्मार्ट सिटी का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। दोस्तों, वाराणसी को स्मार्ट सिटी मिशन के तीसरे फेज में सिलेक्ट किया गया था, जिसके लिए इसको 2520 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है। वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वाराणसी में 6 मेन टॉपिक्स पर काम किया जा रहा है, जो कि सुरम्य काशी, निर्मल काशी, सुरक्षित काशी, समुन्नत काशी, एकत्रित काशी और संयोजित काशी है। इस मिशन के अंतर्गत वाराणसी में स्मार्ट लाइटनिंग, स्मार्ट पार्किंग, कंट्रोल रूम्स, डाटा सेंटर्स, रीडेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड घाट्स, टूरिज्म डेवलपमेंट और स्मार्ट पार्क्स आदि कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी के रोड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वाराणसी प्रदेश के हर शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी को यूपी में बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा, उससे लिंक रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए वाराणसी लिंक रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी को यूपी में बनने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी एक लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा जोड़ा जाएगा। और देखें तो नेशनल हाईवे 56, जो कि सुल्तानपुर से वाराणसी होकर गुजरता है, उसको भी 2 लेन से 4 लेन वाला किया जाएगा। इसकी डेडलाइन 2020 रखी गई है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 29, जो कि गोरखपुर से वाराणसी होकर गुजरता है, उसको भी 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। इसकी डेडलाइन भी 2020 ही रखी गई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कीमत 1200 करोड़ होगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में न्यू काशी सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये सिटी वाराणसी रिंग रोड के किनारे 329 हेक्टेयर में बनाई जाएगी। ये एक हाईटेक सिटी होगी। इस सिटी में ऑफिसेस, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, आईटी पार्क्स, टेक्नोलॉजी पार्क्स, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, हाउसेस, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स आदि बनाए जाएंगे। ये सिटी सिंगापुर के तर्ज पर बनाई जाएगी। इसके अलावा रिंग रोड के किनारे 20 मीटर में एक ग्रीन बेल्ट भी बनाई जाएगी। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसके सर्वे के लिए 2000 करोड़ आवंटित कर दिए गए हैं। दोस्तों, सिटी के निर्माण के बाद बहुत सारे रोजगार के मौके पैदा होंगे और कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा भी मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी के चंदौली में एक आईटी पार्क भी प्रस्तावित है। दोस्तों, इसी बीच एक और जरूरी प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काशी विश्वनाथ धाम के मंदिरों को रीडेवलप किया जाएगा और धाम को गंगा के मुख्य घाटों से जोड़ दिया जाएगा। ये कॉरिडोर 50 मीटर चौड़ा होगा, जिसकी कॉस्ट 800 करोड़ होगी। हालांकि पहले इसकी कॉस्ट 600 करोड़ थी। इस कॉरिडोर का निर्माण PHP गुजरात करेगी। इस कॉरिडोर में एक 320 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी रोड बनाई जाएगी। इसका कार्य 3 फेसेस में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले फेस में धाम को रीडेवलप किया जाएगा और दूसरे फेस में घाटों को डेवलप किया जाएगा और तीसरे फेस में घाटों को धाम से जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पूरे होने पर वाराणसी और यूपी के टूरिज्म सेक्टर में एक बूस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर वाराणसी के मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में लाइट मेट्रो चलाई जाएगी।
जिसकी लंबाई 3 कोचेस तक की होगी। इसमें 2 कॉरिडोर और 26 स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि पहला कॉरिडोर 19.35 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि शिवपुर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक होगा, और दूसरा कॉरिडोर बेनला बाग से सारनाथ तक होगा, जो कि 9.8 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा इसमें 2 लाइंस बनाई जाएंगी। इसकी कॉस्ट 17,227 होगी। अगर इसकी अपडेट की बात करें, इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बाद एक तो वाराणसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इसकी इकोनॉमी के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर में भी काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।